यू में जो प्रोटेस्ट है उसे संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट है, बाकी देश में नहीं प्रोटेस्ट हो रहा उसको लेकर क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इलाहाबाद में हो रहा है, बीएचयू में हो रहा है, त्रिपुरा में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है। 785 विश्वविद्यालय है, लगभग 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के अंदर लोगों का जनसमर्थन नहीं, जनसमर्थन मिल रहा है, पूरी तरह से मिल रहा है और लोग आ रहे हैं, उसकी 5 मार्च के पत्र की जो है होलिया भी जला रहे हैं। इतनी इतना समर्थन है, आरक्षण का ये फैसला वापस करवा? बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई लंबी भले ही हो सकती है लेकिन जो है सरकार को इस पत्र के सामने झुकना पड़ेगा। तो देखिए ये प्रोफेसर साहब हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, देवाशीष क्या लग रहा है, पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है? आप लोग युवा नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, चूंकि ये लोग नौकरी भी बचानी है, अभी हालात इस तरह के, कौन कहाँ मार दिया जाएगा, किसकी नौकरी चली जाएगा, ऐसे में क्या पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है? देखिए ऑर्गेनाइज, चूँकि चूँकि ये सरकारी जो नौकरियाँ होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं काफ़ी, शायद यहाँ पर इनको दिख रहा है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्र है जहाँ पर एक्टिविज्म की बात करते हैं, जनसमर्थन की बात करें, वहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो इनके गर्दन पर तलवार लटक रही है ना, सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरी में 15 में अब तो SC ST एक्ट ही खत्म कर दिया गया है, आपको सामने की बात है, लेकिन आपको बात करेंगे और हार्दिक पंड्या पूरी बात करेंगे, पहले ये पढ़ाई लिखाई वाला बात कर लेते। देखिए बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है और इस मामले को लेकर चूंकि यूनिट चेंज कर दी है, SC ST का जो रिजर्वेशन है एक तरीके से पूरा डाइल्यूट हो चुका है, डाइल्यूशन के बाद में स्थिति इतनी गंभीर है, इतनी भयानक है कि जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, उस पर रिजर्वेशन की कोई स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि जब आप डिपार्टमेंटल भर्ती कर देते हो तो यूनिट बहुत छोटी हो जाती है। ये सब जानकारी है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन चाहता हूँ भाई। मुझे पता है MHRD ने जो नोटिस जारी किया है, यूनिट वाइज वैकेंसी होगी, 3-4 पोस्ट निकलेंगे, आरक्षण नहीं इम्प्लीमेंट होगा। मेरा ये कहना है कि इसके फैसले के लिए क्या रणनीति आप लोगों का? नहीं ऐसा नहीं है, ये फैसला वापस होगा, यदि ये फैसला वापस होगा तो आने वाली सरकार भी नहीं रहेगी, इससे जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में लागू हुआ है, यही फैसला आने वाले समय में कर्मचारियों पर लागू होगा, स्टूडेंट पर लागू होगा, तो पूरा जो है पूरे देश में जो है इस पर बहुत क्रांति होने वाली है। क्या लगेगा?